पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस वक्त जितने मशहूर अपनी पॉलिटिकल लाइफ के लिए हैं, उतनी ही उनकी लव लाइफ भी चर्चा में रहती है। 3 शादी कर चुके इमरान को पाकिस्तान का प्लेबॉय भी कहा जाता है। राजनीति में सफल पारी खेलने से पहले उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवाया था। उन दिनों इमरान अपनी टीम के साथ अक्सर भारत आया करते थे, तभी उनका दिल एक इंडियन एक्ट्रेस पर आ गया और ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि अपनी दिलकश अदाओं के लिए फेमस जीनत अमान थी। जी हाँ, जब इमरान और जीनत की मुलाकात हुई तो वे एक दूसरे के अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की ओर अट्रैक्ट हो गए। बताया जाता है कि उन दिनों इमरान खान इतने हैंडसम थे कि लड़कियां उनके लिए दीवानी रहती थी, तो दूसरी तरफ जीनत भी अपने हुस्न से बॉलीवुड एक्टर की क्रश हुआ करती थी। इन दोनों ने अपने प्यार को मीडिया से छिपाए रखने की काफी कोशिश की, लेकिन ये प्यार है जनाब, छिपाए नहीं छिपता। और ऐसा ही हुआ इस लव स्टोरी में भी। इन दोनों के प्यार के चर्चों के पर्चे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बट गए। हालांकि दोनों ने कभी खुलकर अपने अफेयर को एक्सेप्ट नहीं किया है। उन दिनों इन दोनों की लव स्टोरीज ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन आशिक मिजाज इमरान का दिल कहां किसी एक हसीना पर टिकने वाला था। इमरान के प्यार का सुरूर जितनी जल्दी चढ़ता उतनी ही जल्दी उतर भी जाता। वहीं दूसरी तरफ जीनत इमरान के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगी थी। तभी जीनत ने कुछ समय बाद इमरान से शादी की बात कही, जिस पर इमरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और जीनत से बिना शादी किए साथ रहने को कहा। लेकिन जीनत इस बात के लिए राजी नहीं हुई और जिस रिश्ते का भविष्य ना हो उसके बोझ के साथ जीना जीनत को गवारा नहीं था। शादी से इनकार करने के बाद जीनत और इमरान का रिश्ता खत्म हो गया और दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। के बाद जीनत ने एक्टर मजहर खान से शादी कर सबको चौंका दिया और दूसरी तरफ इमरान ने भी शमीमा से शादी कर ली। इन दोनों की शादी की उम्र ज्यादा लंबी नहीं रही और दोनों की ही शादी कुछ वक्त चलने के बाद टूट गई। बॉलीवुड और टेलीविजन की लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड मिरर और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।